म टू एवरी वन कैसे सब लोग ना सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे करें मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं प्लीज़ बस जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना मेरे वन के भी कम्प्लीट हो जाए और मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाए और मेरा चैनल जो है वो मोनिटाइज हो जाए और ऐसी हेल्पफुल और मजे मजे की वीडियोज देखने के लिए ना आपको मुझे जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरा बास थक गया तो जी चलते हैं हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं मेरी अच्छा जी आज के ब्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए और ये जो रंग बिरंगी टोकरियां आप देख रहे हैं ना ये टोकरियों की जो शुरुआत है ना मुझे बड़ी प्यारी लग रही है ना ये टोकरियाँ कलरफुल सी तो ये शुरुआत जो ये जी हो रही है जी असल में किचन की क्लीनिंग और किचन की ऐसी क्लीनिंग हो रही है जिसमें मैं छांटा पिंटी कर रही थी कि मतलब क्या चीज़ मेरे पास रखी हुई है और क्या नहीं है तो जी मैं बहुत सारी टोकरियाँ जो मेरे पास थी रखी हुई थी मैं उसमें से चेक करी थी कि कौन सी टोकरियाँ टूटी हुई हैं कौन सी यूज़ में आएंगी और कौन सी फेंकेंगी और कौन सी नहीं आएंगी जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान से पहले अगर थोड़ी बहुत तैयारी तो कर ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है तो यहाँ पर तेज़ तेज़ गर्मी से पहले ना मैंने सोचा कि इससे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाए कि मैं पसिनों पसीन हो जाऊँ कामों में तो बेहतर है कि कुछ काम मैं पहले ही कर लूँ वैसे तो काम सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते बंदा ख़त्म हो जाता है भाई काम ख़त्म नहीं दे, लेकिन चलो मैंने सोचा कि ये ना मेरे सिंक के नीचे वाला जो एरिया था ना किचन का तो वो मैं उसको साफ सुथरा करी थी और यह मेरे पास ना एक स्टैंड सा एक सा रखा हुआ था मैंने सोचा कि इसमें कुछ ना भांडे शांडे सेट कर लेती हूँ जो कि एक्स्ट्रा हूँ और फिर जी मुझे आज जो बस सफाई का बुखार चढ़ा था ना वो ऐसा बुखार चढ़ा कि मेरा दिल किया कि मैं अपने वो वाले बर्तन भी चमका रहा जिसमें थोड़े बहुत निशान भी हैं पर वो क्यों है और बुखार था जी मुझे काले तेल वाला भी काला तेल मैंने ना बहुत सारे लोगों से सुना हुआ था जी कि काला तेल होता है कोई जिससे बर्तन जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं और मैंने पहली दफ़ा इस जिंदगी में इस काले तेल को देखा पहले तो मैं ये देख के हैरान थी कि ये काला नहीं है ये ब्राउन क्यों है फिर बाद में मुझे पता चला कि इसी कलर का होता है और मैंने इसके लिए स्पेशली ग्लव्स भी मंगवाए कि पता नहीं क्या केमिकल होगा कैसा होगा कहीं मेरे हाथ ही ना काले हो जाएँ तो ऐसा वैसा तो कुछ नहीं था असल में ना जब मैं कुकिंग वगैरह मैंने जब स्टार्ट की ना जब मैंने व्लॉग्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया तो तब मुझे पता चला कि मेरी ये जो कढ़ाई है ना जो एक अदद कढ़ाई है और काफ़ी टाइम से तकरीबन इसको सात से आठ साल हो चुके हैं तो ये ना गंदी है तो फिर मुझे बड़ी ज़्यादा ना अजीब सी फीलिंग हुई कि नहीं ये गंदी कढ़ाई है कोई देख के क्या कहेगा कितने बर्तन गंदे हैं तो फिर मुझे ना बहुत दिनों से लगी हुई थी कि मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना है वैसे जब हम लोग अपनी कुकिंग शुकिंग करते हैं ना यार तो वह जब वो इतनी ज़्यादा चीज़ फील नहीं होती लेकिन वीडियो में वो वो चीज़ें नज़र आ जाती ना वो क्या कहते हैं ना कैमरे कैमरे की आंख आपको देख रही है कैमरे की आंख ने फिर मुझे ये जो निशान थे ना ये मुझे दिखाया और मुझे बहुत तंग कर रहे थे बहुत दिनों से तो यहाँ मैंने काले तेल का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा रहा अच्छा मैं ये समझी थी कि काला तेल पता नहीं क्या जादुई कोई तेल होगा और उसके लगाते ही ना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये अल्लाह झूठ ना बुलाए तो मैंने पंद्रह से बीस मिनट मैंने इसको इतना रगड़ा है तो शायद मैं इतना अगर वैसे भी सिंपल उसे रगड़ती ना स्क्रबर से तब भी पतीली साफ़ हो ही जानी थी लेकिन पता नहीं बस एक दिल में तसल्ली थी कि काला तेल है तो पता नहीं कैसा केमिकल होगा कि के जो बिना मेहनत के मेरी पतीलियों को चमका देगा और ये वाली जो पतीली थी ना अच्छा ये जो है ना ये मेरी सास की पतीली है और ये तकरीबन उनके जहेज़ की होगी तो फिर मेरे ख़्याल से पच्चीस तीस साल पुरानी तो होगी और इससे ज़्यादा पुरानी भी हो सकती है तो इसमें ना मैं ना समोसे वगैरह जो है ना वो बच्चों के लिए तल लेती उसमें मैं घी डाल के रखती हूँ तो बस मुझे लगा कि मुझे इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए और ये कढ़ाई का ढक्कन था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत की साथ साथ मैं लिक्विड भी यूज़ करती थी मतलब ये फील मुझे ये हुआ कि इससे एक शाइन आ जाती है लेकिन ये क्या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निशान वन सब ग़ायब हो जाते हैं मेहनत आपको अपनी ही करनी पड़ती है जो कि मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोग जो है ना अगर किसी ने यूज़ किया तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस काले तेल के बारे में और पतीली वैसे चमक गई थी बस मुंह नज़र नहीं आ रहा था लेकिन ये कि लाइटें नज़र ज़रूर आ रही थी तो आप लोगों ने बताना जी आपको कैसा लगा ये कि कितनी है, चमकी है पतीली तो और लाइक ज़रूर बनता है इस चीज़ पर ना अगर मैंने अच्छी पतीली चमकाई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा जी मैं अब आपको ये बता रही थी यहाँ पर ना ये खाने का दस्तरखान था जिस पर हम लोग बिछा कर ना खाना खाते हैं तो यहाँ पर ना मैं इसको वॉश कर रही थी तो वॉश करने के लिए मैंने सोचा कि ना मैं क्या कोई टब वगैरह लूँ तो ये ना किचन वाला जो सिंक लगा हुआ है ना इसके अंदर ये एक कैप लगा हुआ है जिसको अगर हम एयर टाइट बंद कर देना तो फिर आप इसके अंदर सब्जियां वगैरह भी वॉश कर सकते हैं और चिकन वगैरह भी अच्छे से आप वॉश कर सकते हैं तो इसी के अंदर मैंने अच्छे से वॉश कर ली क्योंकि मैं इसको बाथरूम वगैरह में नहीं धोती हूँ क्योंकि ये खाने का दस्तरा है जब बिछा के बच्चे खाना वाना खाते हैं तो कोई रोटी का टुकड़ा वगैरह भी रख देते हैं तो फिर दिल जो है ना वो बड़ा मुतमिन नहीं होता इस चीज़ के लिए ना मैं इसको मशीन में वॉश करती हूँ मैं इसको हाथ से ही हर हफ्ते दो हफ्ते में इसको मैं वॉश करती रहती हूँ और फिर यह कि मैं धूप में इसको फैला देती हूँ ताकि तो जम्स वगैरह ना रहे तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से वॉश हो चुका था और ये वाला मेरा काम भी ख़त्म हो चुका था मैंने रमज़ान से पहले पहले प्लान करी थी कि मुझे क्या क्या काम करने हैं और मैं चीज़ें चेक कर रही थी मेरी क्या क्या चीज़ें किचन में ख़त्म हुई हुई हैं ताकि ये कि कॉन्टेंट बनाने में तो मुश्किल ना ही हो वैसे भी आपको रमज़ान में मुश्किल ना पेश आए और गर्मी से पहले ज़्यादा गर्मी से पहले जो है ना आपके काफ़ी हद तक काम हो जाए अच्छा ये मेरे पास कॉफ़ी की बॉटल्स रखी हुई हैं जैसा कि मुझे आप सबको पता होगा जो मुझे फुल वॉच करते हैं या स्टार्ट से वॉच करते हैं मींस के मेरे व्लॉग्स को तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ तो ये ब्लैक कॉफ़ी की तीन बॉटल्स मेरे पास इकट्ठी हुई हुई थी तो फिर मैं मुझे लगा कि मैं इसको वैसे ही किसी चीज़ में डालू ना अगर किसी कोई चीज़ इसमें डालूँ तो वो गंदी लगेगी तो ये स्टिकर वगैरह थे ना मैंने इसको सिरका और थोड़ा सा लिक्विड डाल के ना भिगो के रखा हुआ था तो फिर ये कि स्टीर वगैरह जिस पर लगे हुए थे अच्छे से वो नरम हो गए थे लेकिन फिर भी मुझे छुरी का यूज़ करना पड़ा तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से छुरी का यूज़ करने के हाथ पाथ पे ना लग जाए तो बॉटल्स बहुत ज़्यादा शाइनी और बहुत ज़्यादा ग्लॉसी ग्लॉसी-ग्लॉसी हो गई थी तो अब इरादा है आगे के इसका बॉटल्स का क्या करती हूँ तो लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैंने इनको वॉश ही किया है वॉश करके इनको भी मैंने साइड पर रख दिया ताकि कोई स्पाइस वगैरह डालने हों जैसे कि आप पकौड़ों वगैरह के लिए कोई बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं तो वो भी आप यूज़ करना चाहें या कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहें तो आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं तो इसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद जो है मैंने इसको धूप ऊप लगवा दी थी अच्छे तरीके से ये जो है सैनिटाइज़ कर लिया था इनको साफ़ सुथरे हो गए थे और आई होप कि आप लोग को मेरे व्लाग्स अच्छे लग रहे हैं अगर आपको मेरे व्लाग्स में कोई भी चीज़ अच्छी लगती हो ना तो आप लोग ने मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करना है अच्छा मैं ये चीज़ सोच रही थी कि अगर ये व्लाग मेरे मियाँ साहब देख लेना तो फिर उनको पता चलेगा कि मैं कितने काम करती हूँ अच्छा वैसे ना ज़्यादातर क्या मतलब हर बंदा ये सोचता होगा कि औरतें घर में क्या करती होंगी मुझे तो यही लगता है मेरे हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे हैं अलहद लेकिन ये चीज़ सबके दिल में आती होगी कि, कि औरतें सारा दिन घर में क्या करती होंगी मुझे लगता है ये अपने ब्लॉग ना हमें अपने बंदों को दिखाने चाहिए अपने हस्बैंड्स को दिखाने चाहिए कि देखो जी हम लोग घर में क्या कुछ करते हैं जब वो देखेंगे ना कि ये काम वो काम ये काम फिर उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने तो जाके दफ्तरों में बैठना होता है खैर उन लोगों के भी बहुत ज़्यादा होती है हस्बैंड कमा कर लाते हैं तो घर सरकट चलता है और एक औरत जो होती है वो घर को चलाती है मैनेज करती है फिर ही एक जो है ना वो मुकम्मल जो मकान होता है वो एक घर बनता है तो यहाँ पर जी मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी भलाई अच्छा दूध जो है ना हम लोग के घर ज़्यादा नहीं आता क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो वो पीते हैं ऑल पर्स तो और पर जो पीते हैं तो फिर ये कि दूध जो है ना हस्बैंड हफ़्ते में एक दफ़ा ही लेकर आते हैं अपनी छुट्टी वाले दिन क्योंकि उन्हें खुला दूध पसंद है दूसरा दूध उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद पाउडर वाला तो फिर ये कि मैं तो बस पूछे ही ना बस मेरा दिल नहीं करता कोई इतना पीने को मैं पीती भी हूँ तो बस कभी कॉफ़ी बना के पी ली तो यहाँ पर ना इकट्ठा हुआ हुआ था थोड़ी सी मलाई इकट्ठी हुई थी तो मैंने कहा मैं फ्रिज को खाली करूँ ताकि वो भी यूज़ में आ सके जो जो चीज़ें हैं तो यहाँ पर ना मुझे कोई वो मक्खन शक्खन तो निकालना आता नहीं है क्योंकि ये मेरे नानी दादी के ही काम थे मैंने तो कभी ज़िंदगी नहीं किए तो मैंने क्या किया कि मैंने इस तरीके से घी बनाया सिंपल तो बन तो बहुत अच्छा गया पता नहीं अभी किस तरह है इस तरह खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वैसे तो सब चलता है यार तो यहाँ मैंने सिंपल जो है ना मलाई को लेके ना अच्छे तरीके से बस पकाती गई पकाती गई पकाती गई और ये जी स्टेज पर ये जी देसी घी तैयार हो गया अगर आप लोग ना किसी मलमल के कपड़े से छान लें तो ज्यादा बेहतर है वरना थोड़े थोड़े से ना जो जर्रे से हैं वो नीचे रह गए थे बहरहाल इतना ज्यादा मैं थक चुकी थी इतने सारे मैंने काम किए थे तो रात को खाना पकाने की तो हिम्मत थी नहीं

आठ रोटियां थी मैं तो इसे रोटी बोलूँगी तो ये रैप है रोटी है तो फिर मुझे हुआ कि ना मैं यही बना लेती हूँ मैंने ना ला कर रखे हुए थे कि किसी दिन मेरा दिल करेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी तो फिर मुझे लगा कि आज यही बना के ना बच्चों को और मियाँ को खाती हूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई अपनी थकावट जो है ना कम करती हूँ इस तरीके से तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया था अच्छा मेरे पास एक कटर भी रखा हुआ था मैं इसे ट्राई करी थी कि इसमें सब्ज़ियाँ कैसे कटती हैं तो काफ़ी अच्छी कट गई थी लेकिन ये कि मेरे ना बस हाथ कटने के डर की वजह से ना मैंने पूरी बंद गोभी का बेड़ा कर कर दिया था तो लेकिन यह खीरा पहले पहले उस उससे काटा दूसरे वाले ब्लेट से फिर इससे काटा तो बस बहरहाल कट ही गया मैंने कहा जाना तो मुंह के अंदर ही है यार बस काटो और खाओ इतने नखरे क्या करने <laughs> तो यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से काट लिया था और रैप बनाया था रैप मैंने किस चीज़ से बनाया था चिकन वगैरह मैंने ना अभी मैरीनेट करके नहीं रखा हुआ था तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से सारी मेरीनेशन वगैरह करके रखती हूँ तो यहाँ पे जी वो रखे हुए थे पैटिस और ओपैट्रज रखे हुए थे और एक दो सी कबाब रखे हुए थे जो मैं फ्रोजन लेकर आई थी बहरहाल मैंने फ्रोजन आज के बाद नहीं लाने बिल्कुल ही अच्छा टेस्ट था इनका मनो सलवा के थे ये मतलब तो नॉर्मल से थे इतने मज़े के नहीं थे जैसे मज़े के होने चाहिए ना तो वैसे मज़े के नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं घर में बनाऊँगी इन श्ला तो ये मैंने फ्राई कर लिए थे और इसी को मैंने कट करके रैप में डाला था और बस पेट भरने वाली बात की थी और थक के सोने वाली बात की थी तो यहाँ पे जी हमारे रैप बन चुके थे हस्बैंड जो है मेरे इतने शौक से ये चीज़ें नहीं खाते हैं लेकिन उस दिन उन्होंने चुप करके खा ली शायद वो घर को देख के हैरान थे कि सारा काम मेरी बीवी ने ही किया है घर चमकदार पड़ा हुआ है तो वो समझ गए थे कि काम काफ़ी हुआ है तो बेहतरी इसी में है कि चुप करके ना रैप खा लिया जाए और ज़्यादा डिमांड्स ना की जाए <laughs> तो शुक्र अलहमदिल्ला सब ने खा लिया था बहुत अच्छा बना था स्पाइसिस मुझे लग रहा था मेरे हिसाब से थोड़े कम रह गए थे बच्चों ने तो शौक से खा लिया था तो मैं सोची थी कि, कि कोई सॉस वगैरह इसमें बना के लगानी चाहिए थी अच्छा ये जो ग्रीन चटनी मैंने इसमें लगाई ना ये घर में बना के मैंने रखी हुई है जो सिंपल हरा धनिया पुदीना लहसन और ये वो चटनी होती है अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ हाँ शेयर भी कर दूंगी। तो चटनी लगाने के बाद मैंने इसमें म्योनीज़ और कैचअप और जो जो आपका दिल करता है ना जेड़े मसाले पड़े हुए हैं ना बस वही डाल दें आप इसमें और जो है ना अपना रैप तैयार कर लें और ये बड़ी सी जो छुरी है ना मैं आगे, आगे आपको दिखाऊंगी ये मेरी छुरी जो है ना ये मेरे अब्बू जी ने मुझे गिफ्ट की थी क्योंकि तो मुझे, मुझे ना कुकिंग शुकिंग का बड़ा शौक है तो ये छुरी बड़ी ज़बरदस्ती थी तो ये उन्होंने मुझे दी थी तो ये मैंने बड़े संभाल के रखी है और मुझे शौक चढ़ा है आजकल इस छुरी के यूज़ करने का किसी किसी टाइम ना आपका दिल करता है कि आप ये वाली चीज़ यूज़ करें तो आप उसके पीछे ही पड़ जाते हैं फिर आपको दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती फिर मतलब वक्त होता है ना एक सीज़न होता है किसी दिन किसी का कोई टाइम होता है किसी चीज़ का कोई टाइम होता है तो बस कोई भी चीज़ जब हाथ लग जाए ना तो बस फिर हाथ ही लगी रहती है वैसे ये तो फजूल सी एक बात थी यहाँ पर जी मेरा रैप तैयार हो गया था मैंने कह चे म्योनीस वगैरह इसमें डाल दिया था अगर इसमें मैं इसमें थोड़े से वो डाल देती ना शार्मे वाली जो सॉस होती है मिर्चों वाली तो ज़रा ये स्पाइसी और होता और मज़े का लगता है बरहाल पैटी भी थोड़े पीके पीके थे और ये ना एक चीज़ी सा बन गया था चीज़ी रैप तो यहाँ मैंने इसके अंदर ना मोजरेला और चटर चीज़ मिक्स करके डाल दी थी जिसकी मैंने आपको बताई है ये चीज़ मैंने कहाँ से ली थी, ली थी बहुत अच्छी वैसे ये रही है और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टी भी है इसकी और ये काफ़ी ज़्यादा चलने भी वाली है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही डाल दिया था तो थोड़ा सा रैप जो है ना फर्स्ट वाला थोड़ा तो सा डार्क ब्राउन हो गया था लेकिन वो हस्बैंड ने बड़े शौक से खा लिया था क्योंकि उनको ना डार्क ब्राउन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो फिर ये पहली दफ़ा बनाया था पहला एक्सपीरियंस था लेकिन अच्छा रहा मतलब पेट भी भर गया था और शॉर्मे की ब्रेड से ज़्यादा बड़ी मतलब ये रोटी थी तो बहुत मज़े का ये बना था आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये भी मज़ेदार रैप आप लोग देख सकते हैं बड़ी चीज़ी बहुत ही क्रीमी बहुत मज़े के थे बहुत मज़े के बने थे यार तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अच्छा यहाँ पे ना मैं सौंफ़ बना कर रखती हूँ हाजमे के लिए ताकि ये कि कोई भी गैस वगैरह का मसला ना हो और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए तो मैं सौंफ़ बना कर रख लेती हूँ इसमें और भी मैं बहुत सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ मैंने बॉटल एक भर के बना ली थी ताकि ये कि हस्बैंड भी खाते रहें हम लोग भी खाते रहें तो यहाँ पर जी मैं आप दिखा रही हूँ अपने अबू जी की छुरी अल्लाह तौला मेरे अबू को जन्तुल्फरदोस में जगह थे आमिन सुन मिलते हैं नेक्स्ट लगे में थैंक यू अल्लाह